तरकोला के बाद रुख करते हैं मोहना का, जहां मोहना में महंगाई का तूफान बरकरार। चिकन एक बार फिर सेंचुरी बोर करते हुए 320 पर जा पहुंचा। इस हवाले से जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। बाना महंगाई का तूफान बरकरार, चिकन की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा। चिकन 10 रुपए इजाफे के साथ सेंचुरी अबूर करते हुए 320 रुपए तक जा पहुंचा है, जबकि बड़ा गोश्त 550 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त होना शुरू हो गया है। शहरी कहते हैं कि रोज बरोज महंगाई में इजाफा हो रहा है, शहरियों का कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, ये जो अपने चिकन है ना सर, इसके खसूसी तौर पे और जो बड़ा गोश्त है इसकी रेट जो है ना, ये आसमान से बातें कर रहा है। मसलन 300 रुपये चिकन हो गया और बड़ा गोश्त जो है वो हो गया अपना 550 रुपये हो गया। यानी कि अगर गरीब आदमी के घर मेहमान आ जाए ना, वो बेचारा परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूँ। उस वो बेचारा परेशान हो जाता है, उसके पास इतने वसायल नहीं होते कि मेहमान को खाना खिला सके। लिहाजा मेहरबानी करके ये हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि अगर शफकत कर, जैसे हमारे गरीब आदमी की मजदूरी बहुत कम है और जो जो कीमतें हैं, यानी कि मसलन गोश्त वगैरह या कोई चीज़ आटा घी हो गया, उसकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। इसलिए लिहाजा मेहरबानी करके हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि शफकत करें, कोई रेट में कुछ कमी करें। चिकन और बड़े गोश्त के साथ तमाम इशाए कुवत खरीद से बाहर हो गई हैं। इनका मजीद कहना है, अब गोश्त खाना गरीब मजदूर तबके के बस की बात नहीं। अब तो हम लोग सिर्फ इसी वक्त ही गोश्त खाते हैं जब कोई मेहमान आए। मजदूर की मजदूरी बहुत कम है, मगर गोश्त के साथ आटा चीनी और घी खरीदने की सक्कत नहीं है। शहरियों का कहना है कि वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि गोश्त की कीमत तय कम कराएं ताकि आम आदमी जो है वो इस्तेमाल कर सके। कैमरा मैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रबाना, बिग न्यूज़ बाना।